बनाने जा रहे हैं तीसरा बिहार सदन, जब वो निर्मित होगा उसका तो अद्भुत बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी देखिएगा किस तरह से हम लोग मधुबनी पेंटिंग को प्रोजेक्ट करेंगे और दिखाएंगे, ताकि हर लोगों के मन में इनके इस चित्रकला के प्रति एक श्रद्धा का भाव, लोगों का उनके मन में आकर्षण हो, ये सब कह रहे हैं। अब बाकी तो, और एक चीज इसमें बता दें, बिल्डिंग का ही सिर्फ निर्माण नहीं प्रारंभ होगा, बल्कि मधुबनी में ही किराए पर एक जगह लेकर उसमें इसका संस्थान का कोर्स भी प्रारंभ हो जाएगा जनवरी में। एक तरफ बिल्डिंग के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बने और इंस्टीट्यूशन वहीं चले, लेकिन एक तरफ जब बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ मधुबनी में इसका कोर्स भी प्रारंभ हो जाएगा। तो सबको, जितने लोग इस चित्रकला के विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इसमें रुचि दिखाइएगा। और ये संस्थान सिर्फ सरकार के चाहने से ही बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, जब तक मिथिला के लोगों का, जिनको मिथिला पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में अभी रुचि है, वैसे तमाम लोगों को इस संस्थान के साथ जोड़ना चाहिए और बहुत बड़ी चीज होगी। और बाकी तो हम क्या कहें, बहुत बात हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन तो संजय जा सब बात बोल दे। ये जो यहाँ शुरू हुआ है, ये काम शुरू होने वाला है, और टर्मिनल बिल्डिंग का, पटना एयरपोर्ट का, और उस टर्मिनल बिल्डिंग का तो शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसके लिए दो बार मेरी मीटिंग हो चुकी है पिछले वर्ष, और उस दोनों मीटिंग में अंत में उनका जो इसका डिजाइन बना रहा था, उसके सारे एक्सपर्ट्स आए थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, और सब लोगों ने मेरे साथ चर्चा की कि किस तरह से होना चाहिए। उनका तीन तीन चार चार ऑप्शन था, उन सबों को देखा और जो मुझको सही लगा कि भाई किस तरह से बिल्डिंग बनना चाहिए, इतनी अधिक संख्या में अब इसके इसमें प्लेन से लोग जाने लगे हैं हवाई यात्रा में, तो उन सब चीज़ों पर तो बात हुई, लेकिन हुआ इसको कैसा होना चाहिए। तीनों ने ठीक बताया, अंदर में पूरा उसमें मिथिला पेंटिंग रहेगी, और उसके ऊपर से अगर कोई देखेगा तो उसको जो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, उसका जो रूप ऊपर से दिखाई पड़ता है, वही बिल्डिंग के ऊपर वो दिखाई पड़ेगा, यानी कोई उस पर जाएगा वायु मार्ग से तब उसको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर, टर्मिनल बिल्डिंग में रहेगा तो उसको चारों तरफ मिथिला पेंटिंग ही दिखाई पड़ेगी। ये है, और ये राजधानी पटना है, ये सिर्फ पटना ही नहीं है, पूरे बिहार की राजधानी है। हमारे पूरे बिहार में जहां जहां जो भी खासियत है, जिसको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और जो हमारी पहचान बन सकती है, पूरे बिहार की पहचान, इसलिए मिथिला पेंटिंग सिर्फ मधुबनी की, मिथिला की पहचान अब नहीं है, वो पूरे बिहार की पहचान बन चुकी है। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों में पूरे तौर पर कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, इतना हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। निर्माण कार्य में हम तो आज से बोले हैं, शुरू से हम बोलते हैं, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। हम आज से नहीं, हमारी शुरू से मान्यता है, और आप देख लीजिए फ्लड आया, कुछ भी हुआ, किस तरह से हम लोगों ने काम किया, और आज भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंस्टीट्यूशन बनाने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर क्षेत्र में काम किया। बिजली के बारे में लोग सोचते थे पहले कि बिजली भी पहुंचेगी, कहां लोग सोचते थे, आप गांव गांव में बिजली पहुंच गई, अब जितने इच्छुक लोग थे उनके घर का कनेक्शन दे दिया गया। तो अब इस तरह से सड़कों का निर्माण, उसके बारे में, पुल वगैरह के बारे में जानकारी थी, हर गांव में, हर टोले को जोड़ा जा रहा, किसी भी चीज में उपेक्षा नहीं, यह सब तो है और आगे हम लोग करते रहेंगे, हम लोगों की प्रतिबद्धता है, लेकिन जो चेतना